नमस्कार, जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और मेरे साथ हैं सहयोगी पूजा शर्मा। आज विश्व आदिवासी दिवस है और ऐसे खास मौके पर हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की कि आखिर प्रदेश में ये आदिवासी कितने खुश हैं, क्या जो इनकी मांग पिछले कई सालों से चल रही है क्या वो अब पूरी हो रही है, क्योंकि प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, पहली बार प्रदेश को एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, विष्णुदेव मिला है, विष्णुदेव साय की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि आप कहेंगे कि अजीत जोगी भी तो आदिवासी थे, लेकिन इस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है क्योंकि वो एक कन्वर्टेड आदिवासी थे, तो इसीलिए इस लिहाज से मैं कहूँगी कि विष्णुदेव साय प्रदेश के पहले आदिवासी सीएम, जिनसे कब बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर आदिवासियों को थी। 32% की लगभग आबादी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की है, उनका अलग से आरक्षित कोटा भी है और आदिवासियों को हमेशा से ये लगा है कि अब तक उनको वो उनके क्षेत्र में उतनी उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए और एक बार फिर से आदिवासियों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आपने बिल्कुल सही सुना, सतनामी समाज का तो आंदोलन का खबर आप लगातार पढ़ रहे होंगे और उसके बाद अब सतनामी समाज के बाद अब आदिवासी समाज कह रहा है कि हम भी आंदोलन करेंगे। 23 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी जो है वो सड़क पर उतर सकते हैं क्योंकि वो सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। एक आदिवासी नेतृत्वकर्ता जो सरकार चला रहा है उसके कामकाज से खुश नजर नहीं आते हैं ये आदिवासी, और ये बात खुद आदिवासियों ने हमारे चैनल में की है छत्तीसगढ़ तक से खास बातचीत में। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये पूजा आपको विस्तार से बताएंगी क्योंकि उन्होंने इस पूरी खबर को बहुत ही बखूबी कवर किया है। तो क्या वजह है पूजा कि अब सतनामियों के बाद आदिवासी भी सरकार के खिलाफ थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और विष्णुदेव साय को लेकर भी, उनके कामकाज को लेकर भी वो उस तरीके से प्रभावित नहीं दिखते जिस तरीके से जब सरकार का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, तो वो बहुत खुश थे कि प्रदेश को एक आदिवासी मुखिया मिल गया है। बिल्कुल निधि, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक ओर जहाँ सतनामी समाज फिर से आंदोलन करने की बात कह रहे हैं और अब जब खुद आदिवासी समाज भी आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, तो इन दोनों के आंदोलन, क्योंकि बड़ी आबादी दोनों की और निर्णायक भूमिका निभाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए, तो अगर ये दोनों ही समाज सरकार के खिलाफ हो गए तो ये सीएम साय के लिए कितनी बड़ी टेंशन है ये वाकई सोचना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सतनामी समाज के आंदोलन और उनकी चेतावनी को लेकर सरकार भले ऐसे दिखाती ना हो, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो भी समझ रही हैं कि उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। और अब जब खुद उनके ही समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ, आदिवासी सीएम के खिलाफ, जिस समुदाय से खुद विष्णुदेव साय आते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो आप सोचिए कि कितने बड़े टेंशन की बात यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय के लिए हो जाती है। बहरहाल, आपने जैसा कि मुझसे सवाल किया है कि जो सतनामी, माफ कीजिएगा, आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो क्यों आंदोलन करने की बात कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ तक हमेशा एक स्पेशल स्टोरी करता रहा है, जो भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी परंपराएं हैं या फिर जो भी इस तरह से त्यौहार है उसको लेकर, तो हमारे जो सहयोगी हैं मनीष शरण, उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि सीएम विष्णुदेव साय को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 6 से 7 नंबर। तो कहा कि ये ज़्यादा नहीं है या कम नहीं है, तो कहते हैं कि अगर अभी हमारी बातें हो रही हैं उनसे इसलिए ये नंबर है, और अगर बातें नहीं होंगी तो ये 0 पर भी जा सकता है, क्योंकि जो आदिवासी समाज है वो सरकार बनाना जानता है तो वो सरकार गिराना भी जानता है। और जिस तरह से 7 महीने के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वो खुद आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो खुद अपने आदिवासी मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। बात उठती है हसदेव जंगल की, बात उठती है पीड़िया मुठभेड़ में जिस तरह से खुद, और इसलिए भी ये सवालों के घेरे में है निधि ये मुठभेड़, क्योंकि नक्सलियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, 10 लोगों को नक्सली माना नहीं उन्होंने, उन्होंने कहा कि वो आदिवासी थे। उसके बाद बस्तर का एक लड़का जो रायपुर में पढ़ने आया हुआ था और उसके सिर्फ उसने एक पता पूछा जिसको लेकर पीट पीट कर मारने का आरोप लगाया, और इसको लेकर दीपक बैज ने भी आज सीएम साय को एक पत्र लिखा और उन्होंने आदिवासियों के साथ लगातार इस तरह से अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए सीएम सरकार को, सीएम साय को सवालों के घेरे में पूरी तरह से उन्हें आड़े हाथों लिया है। तो ये जो समाज के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि 23 सूत्री उनकी मांगे हैं, इन मांगों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो उसके बाद तो हम सड़क पर उतरेंगे, और चाहे वो सीएम आदिवासी क्यों ना हो जाए, मांग अगर नहीं होती तो सरकार और आदिवासी समाज के बीच टकराव की स्थिति बनी रहेगी। और आपको थोड़ा पहले ले चलना चाहते हैं, यानी कि पिछले साल इसी समय पर
आदिवासियों ने एक बार फिर से इसी तरीके की चेतावनी दी थी अपनी मांगों को लेकर कि अगर पूरी नहीं की जाएगी, उस वक्त भी 23 मांगे थी उनकी, और आज ठीक एक साल बाद एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीदें थी जब आदिवासी मुखिया बनेगा तो आदिवासी समुदाय की तकलीफों को समझेगा। लेकिन 7 से 8 महीने का जब वक्त बीत जाता है उसके बाद भी सरकार की तरफ से कुछ वैसा रवैया नहीं दिखाई देता कि वो कुछ कामकाज करे, जो उनकी मांगे हैं उसे लेकर उस पर कामकाज हो, तो जो समुदाय है उनका गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस 32% आबादी को मनाने के लिए शायद सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि आज आदिवासी दिवस के अवसर पर किसी तरीके की बड़ी घोषणा तो नहीं हुई और कांग्रेस को फिर से मौका मिल गया। बार बार कांग्रेस भी यही कहती है भैया कि खुद को आप आदिवासी हितैषी सरकार बताते हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर आप लोग आदिवासियों के हित में तो काम करते नजर बिल्कुल। और दीपक बैज ने तो कहा नहीं दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बकायदा इसके लिए उन्होंने, और पत्र भी लिखा और कहा कि बड़े शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी मुखिया होने के बावजूद आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए थे, धूमधाम से इस पूरे दिवस को मनाया जाना चाहिए था, सीएम साय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम खुश थे कि हमें वो, क्योंकि खुद भी आदिवासी समाज से आते हैं, कहा कि हम बहुत खुश थे, यानी कांग्रेस भी के जो आदिवासी नेता है वो भी कह रहे थे कि हमें खुशी तो थी, लेकिन अब वो जो खुशी है वो गम में बदलते जा रही है और ये तो बम फूटना शुरू भी हो चुका है। खैर चलिए, आदिवासियों की जो ये नाराजगी है उससे साय सरकार दूर करती भी है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आपको क्या वाकई जायज लगती है कि आदिवासियों की जो मांग है उसे सरकार को सुननी चाहिए, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।